तो ये है यूजफुल गैजेट्स जो आपके डेली यूज में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। आप देख रहे हैं BR Tech Films। अमेजिंग टेक वीडियोस पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको USB से कुछ साउंड के गैजेट्स दिखाने वाला हूँ और यहाँ पे मैं एक USB साउंड कार्ड भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ये USB साउंड कार्ड मैं बहुत समय से यूज कर रहा हूँ, पर्सनली यूज कर रहा हूँ, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में कुछ बताने वाला हूँ। तो पहले साउंड गैजेट्स के बारे में इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं साउंड गैजेट्स कैसे हैं, फिर दिखाते हैं बाकी की चीज़ें। अगर आपके घर में कोई पुराना होम थिएटर है जिसमें ब्लूटूथ नहीं है तो ये यहाँ पे एक USB ब्लूटूथ रिसीवर बहुत काम आने वाला है। आप अपना पुराना कोई भी होम थिएटर जो है उसको कनेक्ट कीजिए, उसमें ये 3.5 mm 2 RCA वाली केबल कनेक्ट कीजिए। बस यहाँ पे जब आप इसको वायर्ड को मोबाइल में लगाते हैं तो मोबाइल में ना लगा के यहाँ पे मेरे पास जो है ब्लूटूथ रिसीवर, इसमें आप इसको कनेक्ट कर दीजिए और इस ब्लूटूथ रिसीवर को देनी होगी आपको USB से पावर। तो किसी भी चार्जर से पावर दे सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पावर बैंक से पावर, और उसके बाद में ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा स्टार्ट और यहाँ पे ये हो जाएगा रेडी। तो बन गया आपका होम थिएटर ब्लूटूथ वाला। तो अभी यहाँ पे इस साउंड कार्ड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस साउंड कार्ड में बहुत समय से यूज कर रहा हूँ, फिलहाल में अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं इस वीडियो में इसी साउंड कार्ड के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अब इस साउंड कार्ड का फायदा यह है क्योंकि आजकल लैपटॉप में जो है कॉम्बो जैक आता है और वहाँ पे माइक्रोफोन नहीं लग पाता, ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, और माइक्रोफोन बहुत काम आता है जहाँ पे आप वीडियो कॉल्स वगैरह करते हैं अपने लैपटॉप से। तो वहाँ पे इस साउंड कार्ड में आपके पास जो डुअल केबल वाले हेडफोन्स होते हैं ना, जिसमें माइक की केबल अलग हो और हेडफोन्स की अलग, या फिर आप सिर्फ माइक कनेक्ट करना चाहें अगर बड़ा वाला जो 3.5 mm मोनो वाला होता है, तो इस साउंड कार्ड से आप इजीली कर सकते हैं। पुराने लैपटॉप में अलग अलग पोर्ट्स आते थे, माइक्रोफोन का अलग और हेडफोन्स का अलग, लेकिन अभी कॉम्बो पोर्ट आता है और वहां पे ये साउंड कार्ड जो है इस तरीके से बहुत काम का है। बस USB में कनेक्ट कीजिए और अपना माइक और हेडफोन अलग अलग कनेक्ट करके आप इजीली जो है इसको यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये कॉम्बो जैक है तो इस तरह का स्प्लिटर भी बहुत काम की चीज़ है, जिसके बारे में अभी आपको इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इस स्प्लिटर के बारे में भी, ये जो है एक ऑडियो स्प्लिटर है। यहाँ पे देखिए ये जो साउंड कार्ड है इसमें इस तरीके से आप बड़ा माइक भी लगा सकते हैं। तो इस साउंड कार्ड का सबसे अच्छा फायदा ये है, वीडियो कॉल्स और रिकॉर्डिंग्स के लिए ये बहुत काम की चीज़ है, 80 रुपये तक का आता है। जितनी भी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप खरीद सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। अब जो ये मैंने स्प्लिटर दिखाया, इस स्प्लिटर से आप दो हेडफोन्स लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसे मोबाइल पे कनेक्ट किया है 3.5 mm वाले, दो हेडफोन्स इसमें लगा के एक टाइम पे आप इसको मोबाइल या लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं और दो हेडफोन आप इसकी मदद से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत पुराना लैपटॉप है जिसमें डुअल पोर्ट मिलता है माइक्रोफोन का अलग और हेडफोन्स का अलग, तो वहां पे आप ये वाला जो है कनेक्टर यूज कर सकते हैं और इसमें जो है अपना कॉम्बो वाला हेडफोन या एयरफोन जो है यूज कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी कमाल की चीज है और ये बहुत ही सही रेट्स में आपको मिल जाती है। फिर से कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मैंने मेंशन कर दी है। अब आता है ये HDMI स्प्लिटर। ये HDMI स्प्लिटर बहुत ही कमाल की चीज़ है। देखिए मेरे पास पहले से एक पड़ा हुआ और मैंने एक और मंगवाया है। HDMI स्प्लिटर से फायदा यह है कि अगर आपके टीवी में कम HDMI के पोर्ट्स हैं, एक या दो हैं, और आपके पास डिवाइस ज़्यादा है, बार बार आप अगर तार चेंज नहीं करना चाहते, तो इस ये बहुत काम की चीज़ है। तकरीबन 450-450 रुपये का ये आता है। इसको बस अपने HDMI के इनपुट में आप टीवी पे लगा दीजिए और इसमें अपने 2-3 डिवाइस आप आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। 3 डिवाइस ये आपको सपोर्ट देता है। तो आपको अगर टीवी में HDMI इनपुट्स कम है तो आप ज़्यादा डिवाइस अगर कनेक्ट करके रखना चाहते हैं, बार बार तारों का झंझट नहीं जाते, तो इस पर लगातार कनेक्ट करके रख सकते हैं और वन एट अ टाइम आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर दे रखा है एक स्विच जिसको प्रेस करके वन एट अ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। अगला टूल है ये एनग्रेविंग टूल, और ये कुछ ज़्यादा ही कमाल की चीज़ है क्योंकि ये मिलता है वैसे आपको 100-150 रुपये के अंदर। इस यहाँ पे आपको एनग्रेविंग पिन भी एक एक्स्ट्रा मिलती है, जो टिप मिलती है। इसको इस तरह से ओपन कीजिए और इसमें डबल ए वाली 2 बैटरीज पड़ेंगी। अब इससे आप क्या क्या एनग्रेव कर सकते हैं, इससे आप प्लास्टिक पे, स्टील पे, इवन ग्लास पे भी आप जो है एनग्रेव कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन टफ एंड ग्लास पे इसे यूज मत कीजिएगा क्योंकि टफ एंड ग्लास गैस का बना हुआ होता है, वो फट सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये जो है मोटर से स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एनग्रेविंग सैंपल दिखा रहा हूँ। तो देखिए स्टील पे ये इस तरीके से आप एनग्रेव कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अगर छोटे मोटे आर्ट्स वगैरह, क्राफ्ट वगैरह के लिए आपको ये यूज़ करना है तो बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप कस्टमाइजेशन जो है इसमें कर सकते हैं, एनग्रेव कर सकते हैं। प्लास्टिक पे भी ये जो है काफ़ी सही काम करता है और ज़्यादा प्रेशर देने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखा किस तरह से एनग्रेविंग टूल बहुत ही काम आ सकता है।
जो है वो मैंने जरूर इंक्लूड करनी थी, इसीलिए मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। ये है HP की USB 2.0 वाली पेन ड्राइव। मेरे पास में 16 GB है, लेकिन ये 32 GB में भी अवेलेबल है। ये 16 GB वाली में आपको मिलती है ये 349 के आसपास। बेस्ट बात यह है कि इसमें आपको कोई कैप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्लाइडिंग है जैसा मैंने दिखाया। इसके बाद में यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ जो बहुत काम की, अगर आपके पास पेन ड्राइव नहीं है तो इस तरह का USB कार्ड रीडर आप यूज़ कर सकते हैं, और अपना माइक्रो SD कार्ड जो है वो इसमें लगा के इसे एज अ पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, या डेटा ट्रांसफर के ये काम आएगा। ये दोनों ही चीज़ें USB 2.0 पे रन कर रही हैं। USB 3 पे होती तो थोड़ा अच्छा होता, लेकिन प्राइस के हिसाब से ये बढ़िया डील है। अब यहाँ पे लास्ट गैजेट जिसके बारे में शायद आप बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन ये एक बहुत यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल फ़ोन खास करके, इसको आप कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। हाथ आप धोते हैं, लेकिन मोबाइल को आप नहीं धो सकते। इसलिए यहाँ पे ये जो जेल है ये काफ़ी गाढ़ा है, ये थिक जेल है, जो आप इसके स्पीकर पे यूज़ मत करना। स्क्रीन को साफ़ करने के लिए, हाइजीन पर्पज़ से बहुत अच्छा है, स्क्रीन क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसे आप अपने लैपटॉप और TV पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? मैं इसी तरह के टॉप टेक गैजेट्स की शुरुआत कर रहा हूँ एक नई सीरीज़ की, तो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ कुछ नए नए गैजेट्स। इसी तरह से कुछ वीडियोज़ अब आते रहेंगे, और बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं।